हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकी कुमार और आप सब देख रहे हैं टेक्निकल विकी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले क्यूएस 5 के पार्ट 15 के बारे में, और जिन लोगों ने अभी तक 14 तक नहीं देखा जाके चैनल में देख सकते हो। आपको एक एक करके सारी प्लगइन्स के बारे में मैं बता रहा हूँ और उसका यूज किस तरीके से करना है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, तो आप वो जाके देख सकते हो, आपको सारा कुछ ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो और इस चैनल पर चल रहा है गिव अवे, तो गिव अवे का हिस्सा अगर बनना चाहते हो और उससे कुछ जीतना चाहते हो इस चैनल से, जैसे कि पेन ड्राइव, साउंड कार्ड और ट्राइपॉड, माइक, ये सारी चीजें, तो आप एक वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, उसे आप देख लेना, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो हम जिस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे उसका लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक वेबसाइट का, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। फिलहाल हम इसे ओपन होने देते हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो हम इसे ओपन होने देते हैं पूरा और इस पे हम वर्क करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कहां तक हमने यूज किया था और इसके बाद हमें कहां तक यूज करना है आज। तो हर दिन जिस तरीके से आप लोगों को पता है, मैं 5-6 प्लगइन्स में आपको यूज करके दिखा रहा हूं। तो यहां पर, यहां हमारे पास आ चुका है ये, और यहां पर हम फ्रीक्वेंसी इक्वलाइजर को हाई करते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद हमारे पास डायनामाइक में हम थे, डायनामाइक के अंदर, और सॉरी ये एपीआई को मैंने यूज कर लिया था, डायनामाइक के मैंने मोर प्लगइन्स में था, मोर में हमारे पास मैक्सिमाइजर तक मैंने यूज कर लिया था। उसके बाद है मैक्स वॉल्यूम मोनो, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है वो उसको भी हम ओपन करेंगे, एस्टूडियो नहीं, मीडी गेट को हम ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर मीडी गेट के बाद था ये, इसको इसका यूज नहीं होता इसमें, ये मल्टी बैंड कंप्रेसर, इसका भी मास्टिंग होता है, फिर भी मैं इसका यूज अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा मल्टी बैंड भी ओपन हो गया है, तो इससे हम इधर कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है MV2 मोनो, इसे भी ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर MV2 मोनो के पास 1 ये वाली, हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास है 1 के बाद यहाँ पर PSE मोनो, हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। चलिए हमने इतनी एक और ओपन कर लेते हैं, तो फाइनली हमारा 6 हो जाएगा आज का। तो PAE के बाद है पग चाइल्ड, ये वाली भी हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारा आज इतना हम इस पर काम करने वाले, जितना मैंने ओपन किया है और इसके बारे में आज सीखने वाले है। तो एक एक करके मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो फाइनली हम इसे बंद कर देते हैं, और मल्टीवेंड और गेट, तो हम सबसे पहले गेट यूज करेंगे और फिर मल्टीवेंड यूज करेंगे। मीडी गेट हमारे पास है बट हम इसे यूज डिफॉल्ट सारा डिफॉल्ट पर ही यूज करते हैं। बज नहीं रहा है कुछ भी है, मिले ले भी। इसे हम ऑन करेंगे नॉट को, फिर भी नहीं बज रहा है। और चलिए हम टेस्ट मीडी गेट, शायद ये वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके, शायद आप लोगों को आवाज सुनाई दे रहा हो या फिर नहीं दे रहा हूं पता नहीं, चलिए ठीक है। बट ये मीडी गेट अभी वर्क नहीं कर रहा है, इसका भी हम यूज मास्टिंग में करेंगे। और मल्टीबैंड है तो मल्टीबैंड हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, और मल्टीबैंड में अगर हम यूज करते हो तो बैलेट मास्टरी 2 है, कुछ भी है तो ये देख सकते हो। और इसके बाद है रॉक मास्टर, इसमें सब मास्टरिंग यूज होता है इसलिए मास्टर का इसमें दिया हुआ है। मिले ले भी है, देख सकते हो मास्टर 3 भी हम यूज करते हैं, कुछ भी है, देख सकते हो मास्टर 3 है। उसके बाद रॉक मास्टर फिर हमारे पास है, मिले ले भी है, कुछ भी है। तो यहाँ तक इसमें सब मास्टरिंग यूज होता है, ब्रेक वोकल क्लियर भी यूज कर सकते हो। मिले ले बट ये हम जो रिकमेंडेड करेंगे आपको, ये मास्टर में इसको यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है मैक्स वॉल्यूम, मैक्स वॉल्यूम में हम पीए डिफॉल्ट यूज करेंगे। फाइनली मिले ले भी है, कुछ न लो भी है, देख सकते हो क्लियर हो जाता है। और फिर हम सबको ऑन करते हैं इसको, इसमें लाउड यूज करेंगे, लाउड मिले ले भी है, कुछ न लो भी है, लाउड मैंने यूज किया। आगे हम देखते हैं 1 कैब, इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसे ऑन करते सबसे पहले, और इसमें इसे डिफॉल्ट है तो सेट ए, गे चौड़ी तोरा पे ले ले ओ भी है, कुछ न लो भी है। 1 का 4 है तो हम इसे 1x1 कर देते हैं, भी ले ले ओ भी है, कुछ न लो भी है। तो ये आवाज थोड़ी दबती है फिर उठती है, फिर दबती है फिर उठती है, कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। 7 का मैंने इस पर 2 कर देता हूँ, चलिए सुनते हैं।
मिल लो भी है। तो फाइनली कुछ इस तरीके से हम इसे यूज कर लेंगे, और जिस जो मैं इसमें यूज कर लेता हूँ कुछ इसी तरीके से आप अपने वोकल में यूज करेंगे ज्यादा बढ़िया रहता है। उसके बाद हमारे पास है PSC में नो ड्रिंकिंग ऑन भी यूज कर सकते इसे। मिल लो भी है कुछ न लो भी है। स्लो मोशन है, चलिए स्लो यूज करते हैं। मिल लो भी है कुछ न लो भी है। और फाइनली मीडियम ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको पता चल रहा होगा, अगर नहीं पता चल रहा तो आप यूज करके देखिए। मैंने ट्रैक और वोकल दोनों आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक वेबसाइट का, वहां से देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास है पीए डिफॉल्ट, ये पीए डिफॉल्ट यूज करेंगे। रॉक सेंस भी यूज कर सकते हो, रॉक सेंस हम यूज करके देखते हैं इसमें। मिल लो भी है कुछ न लो भी है। तो चाइल्ड, ये चाइल्ड तक मैंने यूज कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ हम देखते हैं डायनामाइक के अंदर, हम मोर प्लेंग्स के अंदर पग यहाँ चाइल्ड 660 इसको मैंने यूज कर लिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम ये सारी चीजों को कवर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ले। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।